एक बार फिर से आप सभी के लिए कमाल का प्रोडक्ट लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड स्किल की तरफ से आने वाला पेंट स्प्रे मशीन है। दोस्तों इसका मॉडल नंबर बता दें कि ये है बिल्ड स्किल का BPS 2000 पेंट स्प्रे मशीन और ये ऑरेंज कलर में है। जी हाँ दोस्तों, इसके कई सारे वेरियंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो अगर आपको जो कलर पसंद है वो आप जो है यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, तो ये है पेंट स्प्रे मशीन। दोस्तों ये पेंट स्प्रे मशीन बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही सस्ता और बहुत ही पावरफुल, मीन्स कि आप इसको अगर परचेज करेंगे तो यकीन मानिए इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी देख के आप जरूर एक बार इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये बिल्ड स्किल का जो खरीदा है पेंट स्प्रे मशीन बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी पेंट स्प्रे मशीन के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा भी टेस्टिंग करके कि कैसे ये पेंट करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस बॉक्स कंटेंट के बारे में बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ बता दें कि ये जो पेंट स्प्रे मशीन है ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा और खास बात ये है कि बिल्ड स्किल की तरफ से आने वाला ये पेंट स्प्रे मशीन बिल्ड स्किल की वेबसाइट पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसकी गारंटी हो जाती है कि आपको ये ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा कंपनी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों इससे अच्छा आपको और कौन सी मशीन यहाँ पे मिल सकती है जो कि कंपनी की ही वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाए। तो दोस्तों फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स और दिखाते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। इस बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स में आपको कुछ इस तरीके से इतने सारे आइटम मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इस मैनुअल के बारे में। तो गाइस ये यूजर मैनुअल है, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, इसमें आप पढ़ के इस मशीन के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ये पाइप मिल जाता है जो कि इस कंटेनर में रहता है और साथ में ये एक तरीके से वाल्व का काम करता है और ये मशीन में लगता है, तो ये आपको इसके साथ मिल जाता है। उसके बाद आपको ये कंटेनर मिल जाता है। दोस्तों कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे 800 ml का यहाँ पे कंटेनर है, मीन्स कि आप जब भी पेंट यहाँ पे इसमें फिल करें तो करीब 800 ml से ज़्यादा ना हो यहाँ पे दिया गया है मेजरमेंट, क्योंकि इसमें एयर भी रहता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे जगह चाहिए। तो जब भी आप पेंट इसमें यूज करें तो 800 ml तक ही यूज करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कमाल की चीज़ ये है कि ये एक मेजरमेंट टूल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जो यहाँ पे मिलाते हैं ना इस मशीन में जो भी पेंट यूज करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक मेजरमेंट होता है कि कितने सेकंड में ये कप खाली हो जाना चाहिए और उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, वो इस पर डिपेंड करता है। तो आप जब भी मिलाएं कोई भी पेंट, जैसे ऑयल बेस्ड पेंट में आप जो है थिनर मिलाते हैं पेंट में, उसके बाद इसमें डाल के खाली करते हैं तो यहाँ पे कितने सेकंड में खाली होता है, इसकी विस्कोसिटी कितनी है, तो वो यहाँ पे आपको चेक करना है और उसी हिसाब से यहाँ पे इस कंटेनर में पेंट डालना है। जब आपका यहाँ पे विस्कोसिटी सही होगा तब इसमें आप डालिए, तब इस पेंट स्प्रे मशीन से आप जो है यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट के काम आता है। अब दोस्तों एक चीज़ बहुत ही छोटा सा यहाँ पे ये टूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो तो कुछ इस तरीके से ये टूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस टूल का काम क्या है कि अगर आप पेंट करते हैं इस पेंट स्प्रे मशीन से तो इसमें एक नोजल होता है जहाँ पे छिद्र होते हैं, उसी में पेंट निकलता है। तो जैसे ही आप पेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप साफ करेंगे तो क्योंकि पेंट सूखता है तो नोजल में वो पेंट भर जाता है, तो उसको यहाँ पे साफ करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं मेन यूनिट के बारे में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन यूनिट है। अब दोस्तों इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बता दें कि सबसे पहले ये 220 वोल्ट जो इंडिया में 50 हर्ट्ज पे करंट चलता है उस पर वर्क करेगा। उसके साथ साथ इनपुट ये 700 वाट का है और बात करें RPM के बारे में तो 3200 RPM पे इसका मोटर जो है रन करता है। वहीं बात करें इसमें जो पेंट आप करेंगे जो फ्लो रेट है वो है यहाँ पे 650 ml प्रति मिनट, मीन्स कि एक मिनट के अंदर 650 ml तक ये जो है पेंट यहाँ पे बाहर कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पेंट के वॉल्यूम के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि 800 ml तक इसमें आप पेंट यूज़ कर सकते हैं इसके कंटेनर में। और वहीं बात करते हैं इसके नोजल के छेद जो छिद्र होता है जो होल होता है उसके mm साइज़ के बारे में, तो 2.5 mm का इसमें जो नोजल है उसमें छेद होता है,
होल होता है जिससे पेंट निकलता है। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं इस मशीन के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, बता दें कि इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको इससे अच्छा कोई भी पेंट स्प्रे मशीन में प्लास्टिक में नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो प्लास्टिक यूज किया गया है बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लास्टिक यूज किया गया है। मैंने एक वीडियो और बनाया है इसका, एक पेंट स्प्रे मशीन और था उस पर भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है, और दोस्तों वो भी एक अच्छा पेंट स्प्रे मशीन था और ये भी एक अच्छा पेंट स्प्रे मशीन है। दोस्तों ये कॉम्पैक्ट पेंट स्प्रे मशीन है, और जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था वो भी एक अच्छा पेंट स्प्रे मशीन था। उसमें क्या था कि नोजल अलग था, मतलब कि पेंट करने का अलग था, मशीन अलग था, तो वो मैं आई बटन पे दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ये कॉम्पैक्ट है, इसमें आप पेंट भी और मशीन एक हाथ में ले सकते हैं। अब दोस्तों इस पेंट स्प्रे मशीन के ओवरलुक के बारे में बात करते हैं, तो प्लास्टिक जैसे कि मैंने बताया बहुत ही अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे दिख रही है कि इसका जो ग्रिप है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रबड़ ग्रिप है, थोड़ा सा फिनिशिंग इसमें कम है, बाकी रबड़ जो यूज किया है उसकी वजह से यहाँ पे आप जब भी पेंट करेंगे तो ग्रिप अच्छा बना रहेगा, आपको पसीना वगैरह जो है कम होगी क्योंकि प्लास्टिक में होता है, रबड़ रहेगा तो कम होगा। और पीछे यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, पूरा फ्लैट है। और ऊपर बात करते हैं, एक आपको यहाँ पे वाटर प्रूफ ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन ऑफ बटन है, वाटर प्रूफ है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बगल में साइड में, तो आपको दो यहाँ पे वेंटिलेटर मिल जाता है, मीन्स की हवा जाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये एयर प्रेशर बनाता है तब पेंट होता है, तो यहाँ से हवा जाता है। इसको कभी आपको ढकना नहीं है कि इस तरीके से यहाँ पे कुछ आप टेप चिपका दें या कपड़ा लगा दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसको खाली रखना, क्योंकि यहीं से ये हवा सक करेगा और यहाँ पे कंटेनर भेजेगा, उसके बाद आप यहाँ पे पेंट कर पाएंगे। उसके बाद आपको सामने फ्रंट में नोजल मिलता है। दोस्तों नोजल बता दें, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप दोनों तरीके से यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ साइज भी बने हुए हैं, जैसे कि अंडाकार आपको पेंट करना है तो उसका अलग साइज, आप यहाँ पे इसको घुमा के खोल के यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं, और गोला पेंट करना है तो गोले पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों यहाँ से पेंट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको आप जो है ढीला करके सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है नोजल, और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिगर जो है यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे इस ट्रिगर से आप यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे आपको एक नोब मिलता है पेंट के प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए, यहाँ पे एक गोला सा आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसको आप घुमाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो ये इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो ये कम ज़्यादा होता है, इससे आप जो है प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कंटेनर मिलता है यहाँ पे लगाने के लिए, तो कंटेनर लगाने से पहले आपको ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इस तरीके से आप इसको लगा देंगे, उसके बाद इस पेंट स्प्रे मशीन को इस कंटेनर के साथ ऐसे टाइट करके इसको जोड़ सकते हैं। दोस्तों इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे एयर प्रेशर बनेगा तो पेंट लीक ना हो, इस वजह से इसको जो है टाइट करना पड़ेगा आपको। और वहीं बताते कि यहाँ पे आपको ये मिल जाता है कुछ इसको सील करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लीक नहीं होता है, तो यहाँ पे ये मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका जो प्लास्टिक है बहुत ही ज़बरदस्त है। और वेट की बात करें तो मुझे मालूम नहीं है कितना वेट है, तब भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा भारी नहीं है, जैसे कि ड्रिल मशीन वगैरह होती हैं भारी होती हैं, तो उस तरीके से ज़्यादा ये भारी नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा है। और बात करें यहाँ पर केबल की, तो केबल करीब आपको यहाँ पर 1 से लेकर 1.5 मीटर के बीच में आपको ये केबल मिल जाता है, और केबल की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसका प्लग, तो क्वालिटी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, डेफिनेटली इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। अब दोस्तों आगे आपको इसको चला के दिखाते हैं कि कैसे इसमें पेंट होता है, कैसे होगा, तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ।
स्किल की तरफ से आने वाला BPS 2000 पेंट स्प्रे मशीन, जो कि एक इलेक्ट्रिकल पेंट स्प्रे मशीन है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल आपको बता दिया है और बता दिया कैसे आपको यहाँ पे पेंट करना है, और इसकी क्वालिटी भी आपको यहाँ पे दिखा दी है और बता दी दोस्तों बहुत ही अच्छा पेंट स्प्रे मशीन, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जरूर एक बार जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और भी इसके बारे में वहाँ पे जान सकते हैं। और प्राइस इसका घटता बढ़ता रहता है, तो वो भी आप वहाँ पे जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों ये था पेंट स्प्रे मशीन। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डिटेल में जानना है, आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया है, तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पेंट स्प्रे मशीन मैं खुद यूज करने वाला हूँ और मैं अपना घर पेंट करूँगा इसी पेंट स्प्रे मशीन से, तो मैं इसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब भी आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊँगा कि ये पेंट स्प्रे मशीन कैसा है, कैसे चल रहा है और क्या परफॉर्मेंस है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको परचेज करने में यहाँ पे मदद मिलेगी। तो आप कमेंट में जरूर यहाँ पे पूछिएगा। और दोस्तों अगर आपको लाइव मुझसे बात करनी है, तुरंत जानना है कि कैसा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ritesan34, तो इंस्टाग्राम पे जरूर जाके फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सबसे खास बात, चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह वीडियो लेके आता रहता हूँ, आप सभी की हेल्प करता रहता हूँ, और टेक से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे वीडियो देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।